नमस्कार दोस्तों, सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अपने इस वीडियो में बात करेंगे ये खुशखबरी क्या है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। और हम बात करने वाले आज इस वीडियो में एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर के द्वारा एक जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। सबसे पहले आपको करना है कि हम इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल साइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आप पहुंचते हो तो ऑफिशियल साइट पहुंचने के बाद इस साइट जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट का आपको टैब दिखाई दे रहा है। इस रिक्वायरमेंट के जो टैब है ना, इस पर क्लिक करना है, आपको प्लस का निशान मिलेगा। इस निशान पर जैसे ही आप क्लिक करोगे रिक्वायरमेंट तो आपके सामने इस प्रकार से नए ये ऑप्शन आ जाएगी। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट है इस पर आपको टैब करना है। इस टैब पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वैकेंसी आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दे रखा है। रिक्वायरमेंट जो देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूटर क्लिनिकल इंस्टीट्यूटर पोस्ट ग्रेड ए फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स जोधपुर ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है ये, यानी परमानेंट वैकेंसी होने वाली। स्टार्ट डेट इसकी फॉर्म की बात करें तो 25/6/2022 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 25/7/2022 रहने वाली है। अगर हम बात करें इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिए इस अप्लाई नाउ पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पूरी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यदि आपका पहले रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लीजिए, यदि नहीं है तो इस रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो इस एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है और यहाँ पर PDF इसकी डाउनलोड कर लेनी है। तो PDF आप इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम दिखा देंगे यहाँ पर। तो आपके सामने ये देखें ये PDF आ गई इसकी, देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूटर क्लिनिकल इंस्टीट्यूटर पोस्ट ये देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर के द्वारा। और इसमें ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है यानी परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन डालना है और ये 25 जुलाई 2022 तक डाल सकते हैं। पोस्ट की बात करें टोटल 3 पोस्टें हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य है क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा या फिर क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर। तो यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए साथ में, ठीक है, या फिर आपने नर्स एंड मिडवाइफ का डिप्लोमा कर रखा है, साथ में ट्यूटर का जो डिप्लोमा था वो कर रखा है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया, 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे आप। आगे हम देखते हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस दे रखे, किस प्रकार आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लास्ट डेट हम ऊपर बात कर चुके हैं, इसकी ऑफिशियल साइट, इस ऑफिशियल साइट पर आपको अप्लाई करना है जाके, आगे देख सकते हैं। और इसमें जो पर मंथ पेमेंट है वो लेवल 7 के अनुसार 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहने वाली है। आगे बात करते हैं जो आपका एक्सपीरियंस है वो 50 बेड के हॉस्पिटल से ऊपर का होना चाहिए, 50 बेड के हॉस्पिटल का तो भी मान्य होगा। अब देखो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि एम्स इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है तो स्टेट का रिजर्वेशन नहीं चलता है, सेंटर का रिजर्वेशन यहाँ पर चलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल या OBC कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये है यहाँ पर। और उसके बाद SC ST वोमेन की बात करें और या फिर जो निःशक्त जन, उनकी फ़ीस 200 रुपये लगेगी। और जो फीस है वो जमा करवाने के बाद आपको वापस नहीं मिलेगी और ये फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करवानी पड़ेगी। आगे अगर बात करें तो ये जो 200 रुपये हैं ये उनको रिफंड होंगे। जो बैंक चार्ज यदि लगता है एंट्री में सम्मिलित होते हैं तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं वापस, वरना नहीं मिलेंगे। आगे देख सकते हैं ये फाइनल डिसीजन इस एम्स का रहेगा। इससे संबंधित अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।